10 साल की दलित मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, शव झाड़ियों में मिला। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम माहटोली की 10 साल की दलित मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने दूर के रिश्तेदार पर ही आरोप लगाया है। आरोपी गांव में बने उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री निर्माण का काम कर रहा था। कार्य मृतका कक्षा 3 की छात्रा थी। बच्ची कल शाम से लापता थी। मृतका का शव गांव के बाहर स्कूल के पास बबूल के जंगल में मिला। मासूम बच्ची का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम रवि है, हमारी ये भतीजी थी। ठीक है। ये सुबह शाम को 3-4 बजे की बात है, ये तब से गायब है। कैसे ये जानकारी मिली यहाँ? जानकारी किसको? आपको? तुम्हें? हमें, मतलब हमारी भतीजी है इनकी, मतलब हमारे भाई साहब की घर से हमारे गांव में घर पे गई तो उन्होंने बताया कि बिटिया कहाँ है, तो उन्होंने कहा भाई, हमने कहा मतलब हमारे घर पे नहीं है। फिर उसके उस टाइम हम लोग ढूंढने लगे, तब तक नहीं मिली वो, तो सुबह भी यहाँ ढूंढा नहीं मिली। फिर करीब 9-10 बजे यहाँ पे हम लोग आए वन में, वहाँ पे उसकी लाश मिली, मिट्टी मिली। तो इसके साथ हुआ है, गले में दाग हैं, तब से वो मतलब बिल्कुल खत्म ही हो चुकी थी। रेप के बाद हत्या की गई? हाँ, रेप के बाद हत्या की गई है। गला घोट के उसके गले में दाग हैं। क्या नाम था लड़की का? लड़की नाम सोनी नाम था। कितनी उम्र है? उम्र 7 साल की लड़की है। वो पढ़ रही थी लड़की? हाँ पढ़ रही थी। वो कौन सी क्लास में? ये 2-3 में पढ़ रही है भाई, बच्ची है। क्या नाम है आपका? रंधौर जी। इस लड़की की हत्या हुई है, कैसे, क्या हुआ, क्या घटना है? घटना कहा है कि कल से गायब हुई है जी। कल से गायब हुई है, फिर क्या हुआ? फिर ये लड़की मिली ना ये सुबह मिली है, हम लोग सब ढूंढ कर आई, कोई पता नहीं चला। यहाँ कैसे पता चला, क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ हुआ क्या है, ये तो मरी पड़ी है, उनको मिली है मिट्टी पड़ी है। हाँ, क्या आशंका है इसकी? हमें है मनोज की आशंका। इसके साथ कुछ किया भी गया है दुष्कर्म वगैरह के? बिल्कुल किया गया है। हमें एक बच्ची का शव मिला है, पूरा मामला क्या है? ये थाना दन्नाहार के गांव महटौली का प्रकरण है, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस मौके पर आई तो देखा कि एक करीब 10 साल की बच्ची का मृत शरीर बबूल की झाड़ियों के बीच में पड़ा मिला है। उस पर हमारी पुलिस फोर्स पहुंची है, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें उन्होंने एक दूर के रिश्तेदार युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी है। उस पर मुकदमा अभी तत्काल दर्ज किया जाएगा और जो नामित व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम पहले से ही रवाना कर दी गई है। बाकी बच्ची का पोस्टमार्टम वैज्ञानिक ढंग से पैनल के द्वारा कराया जा रहा है, ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य जो बच्ची के शरीर पर हैं वो भी कलेक्ट किए जा सकें। और इधर हमारी फील्ड यूनिट भी साक्ष्य संकलित कर रही है। इन सब की मदद से गुणवत्तापूर्ण विवेचना करके जो भी अपराधी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर।